जी क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? पार्टी के प्रदेश के निर्देश के क्रम में जो लोकसभा चुनाव में भाजपा के जिन मतदाताओं ने मतदान किया उनका अभिनंदन का कार्यक्रम था और उनके माध्यम से पूरे समस्त लोकसभा के मतदाताओं का अभिनंदन। मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से भरण पोषण के दावा करने का फैसला सुनाया, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत स्वागत योग्य और महिलाओं को, खासकर गरीब और परेशान महिलाओं को, मुस्लिम समाज की महिलाओं और एक तरह से समाज में जो भी परेशान महिला है उसके लिए बहुत राहत बना और स्वागत योग्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मंत्री जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आरोप है कि भाजपा वहां लगातार हार से सबक नहीं ले रही है और राज्य की विकास परियोजनाओं में अड़ंगा लगा रही है। उनका बयान निराधार है। भाजपा वहां हारी नहीं है, आगे बढ़ी है। पिछले चुनाव से 3 गुना वोट भाजपा का बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लगातार दक्षिण भारत के विकास और संवर्धन पर काम कर रही है। स्टालिन का आरोप निराधार। मौलाना मदनी का बयान आया है कि मुस्लिम छात्र स्कूलों में सूर्य नमस्कार, योगा और सरस्वती वंदना का बहिष्कार करें और विरोध करें। मदनी साहब मुस्लिम समाज के लड़कों को 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि उनको 21वीं शताब्दी में लेके आगे बढ़ें। वो मलेशिया, इंडोनेशिया, गल्फ कंट्री के मुस्लिम देशों में जहाँ सब जगह योग को स्वीकार किया गया है, प्रगति है वहाँ, उससे यहाँ के लोगों को जुड़े, न कि उन्हें अनुसी बातें सिखाएं। अखिलेश यादव का बयान आया है आगरा एक्सप्रेस वे पे दुर्घटना पे जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी, उस पर कहा कि यह प्रदेश सरकार की लापरवाही का परिणाम है। वह सड़क अखिलेश के जमाने में ही बनी थी, उसकी तकनीकी परिस्थितियां क्या थी अखिलेश बखूबी जानते हैं और सारा प्रदेश जानता है कि कैसे वहां पर पहले जमीनें खरीदी गई और फिर उन ज़मीनों के किनारे किनारे घुमा के एक्सप्रेसवे बनाया गया। और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस तकनीकी पक्ष को जांचने की भी ज़रूरत है। जहां तक अखिलेश का, राज्य सरकार ने तत्काल उन्हें राहत और मदद दी है और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है। अखिलेश निराधार प्राप्त करें। थैंक यू।